तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। फिर से निकल रहे हैं घर से। तो आज मेरा गाड़ी बॉक्सर में, मेरा पहला गाड़ी में। तो सबसे पहले रोज की तरह आज भी थोड़ा प्रे कर लेते हैं भगवान से कि हे भगवान, अपना बस इतना कृपा दृष्टि बनाए रखना, रास्ते में मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो। जय हनुमान, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली गाड़ी में ही स्टार्ट हो गया। चलो रास्ते में बात करते करते चलते हैं आराम से। हाँ तो दोस्तों, निकल गए हैं घर से बाहर अभी, और गांव से भी बाहर जा रहे हैं अभी। गांव एंडिंग हो रहा है इधर हमारा। तो पहला गाड़ी में मैं भी सोच रहा था पहला ब्लॉग मेरा इसी से ही हो। जिंदगी बस आप सबके साथ ही चाहिए। तो कभी बताएंगे इसके बारे में पूरा कहानी। इसके साथ ही शुरुआत क्यों करता हूँ मैं। कभी भी ये गाड़ी ज़्यादा बाहर निकालते नहीं है हम, ठीक है। ये गाड़ी तभी निकलता है अगर आज मेरा कोई स्पेशल दिन हुआ होगा, कुछ नया काम करना होता है, तभी ये गाड़ी को हम बाहर निकलते हैं, वरना निकलता नहीं है बिल्कुल घर से ज़्यादा के। और वरना अगर किसी का बहुत ही इमरजेंसी हो तभी जाकर ये गाड़ी हम निकालते हैं, वरना निकलते नहीं है। तो कोई बात ना, तो आपको भी बताएंगे कि क्यों इसको ज़्यादा निकालते नहीं है, क्यों इसको ज़्यादा ये इतना केयर करते हैं, सब कुछ बताएंगे और एक वीडियो में। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा बैंक, मम्मी का पैसा डिपॉजिट करना है बैंक में। तो जा रहे हैं, मम्मी घर पे है, मैं जा रहा हूँ बैंक अभी अकेले। हाँ तो दोस्तों, अभी सोच रहे हैं थोड़ा एक कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, बहुत धूप हो रही है बाहर अभी। दीपक भाई कैसे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स क्या है कौन मेनू? सा वाला चाहिए? ठीक कोई भी एक दे दो फिर अपने हिसाब से। है ठीक तो अभी भी आ रहे हैं दीपक भैया। ये मेरा दीपक भैया का दुकान है, टाटा ग्लूकोन दिए भैया ने। अच्छा कोई बात नहीं भैया, दिए इतना प्यार से तो पी लेंगे, चाहे जो भी हो। इतने कुरकुरे भी खा लेंगे फिर चलेंगे घर को आराम से। दुकान से ले लिए चॉकलेट भी, और चलो चलते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों, अभी जा रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, काम खत्म हो गया बाहर। और सामने मंदिर है, हे भगवान अपना कृपा दृष्टि बनाए रखो बस। तो चले हम घर को, रास्ते में हैं। तो मैं ओडिशा से बिलोंग्स करता हूँ, और मेरे को लगता है ये है कि शायद ओडिशा में मैं ही हूँ जो अकेला पर्सन होगा ऐसा, कि ये वाला गाड़ी इतना अच्छा कंडीशन में मेरे पास ही हुआ होगा। मैं आपको एक दिन बताऊंगा इसका पूरा स्टोरी, फुल डिटेल्स के साथ जितना है मेरे यादें सब कुछ शेयर करूंगा और एक वीडियो में। बस दुआ में याद रखना।